दोस्तों, आपने आज तक कई तरह की चाय और उससे होने वाले फायदों के बारे में तो लोगों से सुना होगा, पर क्या आपने कभी प्याज की चाय पी है? अगर नहीं तो आज ही ट्राई करें। ये चाय न सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है, बल्कि पेट को भी दुरुस्त रखने का भी एक रामबाण इलाज है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है इसे बनाने का तरीका। दोस्तों, सेहत ही नहीं खूबसूरती निखारने के लिए भी लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं। प्याज खाने से कब्ज की समस्या, कोलेस्ट्रॉल, एनीमिया से तो राहत मिलती ही है, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी चाय पीने से शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। इसकी चाय बनाने के लिए प्याज गहरे बैंगनी रंग के ही होने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग की प्याज का कोई असर नहीं पड़ता। प्याज की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक प्याज को अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लें। प्याज काटने के बाद इसे 10 मिनट तक कटा हुआ छोड़ दें। इसके बाद एक बर्तन में पानी गर्म कर लें। ध्यान रखें कि पानी गर्म करना है पर उबालना नहीं है। फिर गर्म पानी में कटी प्याज डालकर 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आपकी प्याज की चाय बनकर तैयार है, इसे छानकर पी लें। प्याज की चाय पीने से धमनियों में रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसकी वजह से व्यक्ति हाइपरटेंशन के खतरे से दूर रहता है। प्याज की चाय पीने से अनिद्रा की बीमारी से काफी हद तक राहत मिलती है। प्याज में काफी ज्यादा फाइबर होता है, जो कि कोलोन को साफ करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर आंत से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार प्याज ग्लूकोज प्रतिक्रिया को बेहतर करके इंसुलिन रेजिस्टेंट को बढ़ाकर टाइप 2 डायबिटीज में राहत दिलाने में मदद करता है। प्याज की चाय फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में भी मदद करती है। इन दिनों मौसम बदलने की वजह से लोगों को सर्दी जुकाम काफी हो रहा है। प्याज में विटामिन सी के अलावा ऐसे कई औषधीय गुण हैं जो बाहरी संक्रमण को दूर कर सर्दी जुकाम से भी बचाते हैं। तो दोस्तों, एक और बात का विशेष ख्याल रखें कि इस चाय का सेवन प्रेग्नेंट महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स द्वारा जरूर बताएं। इससे कुछ आपको जानकारी प्राप्त हुई हो तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बाय दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।